सिखाए गए पैगा बोबा टार्मी आपको आज की इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में, तो वीडियो के अंत जरूर बनाए रहना। आपका स्वागत है हमारे चैनल गेमर शिप में। आज का वीडियो टाइटल होने वाला है हाउ टू डू पैगा बोबा टार्मी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कैसे हो सब लोग, सभी का स्वागत है हमारे चैनल गेमर शिप में। और भाई आज का वीडियो हमारे होने वाला है पैगा बोबा टार्मी के ऊपर। तो भाई पूरा गाइड देंगे इस वीडियो में, भाई डिटेल में आपको समझाएंगे पैगा बोबा टार्मी कैसे करते हैं। तो भाई चैनल पर नो भाई जरूर से सब्सक्राइब कर दो, भाई वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई सबसे पहले बता देता हूँ आपको सारे लोग करना क्या होता है। भाई आपको 80% बेस ले लेना होता है भाई अपने मिनिमम स्पेल्स यूज करें, मतलब आपको बेस के में मेजर डिफरेंसेस लेने 80% में वो आएगा। आपको बस ज़्यादा से दो या तीन स्पेल्स यूज करनी है। तो आपको अभी हार्ड लग रहा है पर इतना हार्ड नहीं फेंका वो, बट आर्मी भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। 80% बेस आराम से आ जाए, मतलब ज़्यादा से आप तीन स्पेल्स करोगे आपको पूरा 80% बेस आ जाएगा। 18 स्पेल्स में आपका रेज और पॉइजन आएगा, आपको पूरा 80% बेस आ जाएगा। बाकी जो 20% बेस बचता है आपको अपने बैट्स के साथ क्लियर करना होता है। तो आर्मी में यही होता है भाई। तो अभी दिखा दो कैसे करते थे आर्मी को मैं। तो भाई बात करते फनल कैसे बनाना। सबसे पहले तो भाई आपको आर्मी में फनल बनाना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि भाई अगर आपका फनल बनता नहीं तो आपकी आर्मी शायद से बाहर आ सकती है, मतलब आपका अटैक फेल हो सकता है। तो भाई आपको बता दो फनल कैसे बनाना है। तो भाई आपको लो हॉल स्पेस से ज़्यादा से ज़्यादा फनल बनाना होता है, क्योंकि भाई पैका और बॉलर बहुत ज़्यादा स्पेस खाते, तो आपको लो हॉल स्पेस से फनल बनाना पड़ेगा। तो बता दो फनल कैसे बनाना है। आपको एक साइड से बॉडम वॉक चालू करना है, दूसरी साइड से आपको लेफ्ट रो या फिर बेबी ड्रैगन फनल बना लेना है। तो दिखा दो कैसे बनाना है आपको। तो भाई देख सकते हैं बस यहाँ पर इतने सारे ऑर्डर बिल्ड हुए हैं। आप हम लोग वाटर वॉक करेंगे जैसे मैंने बताया। आपको ज़्यादा अपने फनल में इन्वेस्ट करना नहीं, नहीं तो आपके मेन आर्मी पावर कम हो सकती है। आपको ज़्यादा से पैकर्स एंड बोलर्स लेना अपनी मेन आर्मी के अंदर। जो यहाँ पे हम लोग बेबी ड्रैगन यटिस बनाएंगे एक साइड पर फनल और दूसरी साइड पर बनाएंगे वाटर से फनल, जिससे आपका हमारा कम इन्वेस्टमेंट हो हमारे फनल के अंदर और अच्छे से फनल बन जाए। तो अभी दिखा दो कैसे करना है। तो जैसे मैंने बताया था हम लोग यहाँ पे वाटर वॉक करेंगे, दिखाता हूँ वाटर वॉक कैसे करनी है आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को अपना वार्डन ग्राउंड पर सेट करना, गलती से भी एंड ना हो आपका वार्डन ध्यान रख लेना। सो हम लोग दूसरी तरफ से फनल स्टार्ट करते हैं। अभी यटी और विजार्ड डाल दिया एंड यहाँ पे बेबी ड्रैगन डाल देते हैं। देन अभी हम लोग वेट करते हैं थोड़ा सा फनल बनने का। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा अच्छा खासा फनल बन चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं हमारा अच्छा सा फनल बनता नहीं, और यहाँ पे हमारी 30,000 स्पेस लग जाती है। यहाँ पे हमारी भले 40,000 स्पेस लगे, देख सकते हो कैसे प्रॉपर फनल सेट हुआ हुआ दूसरी साइड से वॉटर फनल बना रहा है। अभी वेट करते हैं पैगास डालने का। आप लोग देख सकते हो मैं कैसे अच्छे से फनल बना हुआ, ब्लू और स्ट्रेट पाथ बन रहा है हमारे पैकर्स के लिए। आपको भी ऐसे कुछ सेम करना है, हर बेस पे वॉटर वॉक करनी एक साइड पर, दूसरी साइड से आपको वेबी ड्रैगन और यटी फनल बनाना है। तो जैसे आपको लगा आपका फनल बन चुका है, आप लोगों को अपनी पूरा ये स्पैम करनी जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी। तो आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे हीलर्स क्यों यूज़ किया। आपको पता है हमारे बोलर्स के हेल्थ बहुत कम होती है, हम यहाँ पे एक भी हीलिंग स्पेल यूज़ कर रहे नहीं है। हम लोगों को मिनिमम स्पेल स्टोरेज में कम से कम 80% बेस खाना, तो हम लोग यहाँ पे हीलर्स यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसे हमारी आर्मी बेस था बिल्कुल प्रॉपर के अंदर घुस रही है। अगर आपकी आर्मी में बिल्कुल ऐसे आ जाती बेस के अंदर तो समझ जाओ ट्रिपल निकलने वाला बेस। और एक बात, आपको अपनी वार्डन एबिलिटी और रेज ध्यान से नहीं अकॉर्डिंगली बिल्कुल, अगर आप लोग गलत जगह वार्डन एबिलिटी देते हो भाई आपको नुकसान हो सकता है। जहाँ पे हाई डैमेज हो बस वहीं पर देनी है वार्डन एबिलिटी और रेज वहीं पर देनी है। तो देख सकते हो कैसे बेस में बिल्कुल स्मूथली घुसी हमारी पूरी आर्मी। हमने कितने कम हाउसिंग स्पेस में तो सारा फनल बनाया, तो पूरी आर्मी हमारी बेस के अंदर घुस चुकी है। मतलब आपको कुछ ऐसे ही करना है सेम टू सेम। अभी हम लोग बैटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने ईगल पर स्टार्ट कर दी। आपको ऐसी जगह बैटिंग स्टार्ट करनी जहाँ पे आपको लग रहा हो कि वहाँ पे ट्रूप्स पहुँच पाएंगे, तो आपको वहाँ पे हमने बैटिंग स्टार्ट करनी है। फ्रीज आपको वहीं पे यूज़ करनी है जहाँ पे भाई विजार्ड टावर जो मल्टी ड्रैगन इन्फर्नो, बाकी आपको कहीं पे भी फ्रीज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप टैग के मजे लो। तो देख सकते हो कैसे बेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, मैं इतनी कम हाउसिंग स्पेस से फनल बना। जब भी हमारी आर्मी पूरी अंदर आई बेस के अंदर और यहाँ पे पूरा बेस खत्म कर दिया, हमारी अभी भी क्यों एबिलिटी जिंदा है। सो देख सकते हो कितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है ये। अगर टीएस सर्वाइवल जरूर से ट्राई कर लो इस गाइड के बाद। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक किया भाई क्या करो, जरूर से वीडियो को लाइक करो। तो अभी अटैक हो चुका है, अभी आपको एक और अटैक देखेगा जिससे आप अच्छे से समझ जाए कैसे करना है इस आर्मी को। सो सेकंड बेस देख सकते हो 9 कंपार्टमेंट बेस है भाई, बहुत पॉपुलर बेस है। ऐसे बेस आपको बहुत अक्सर मिलते होंगे वॉर के अंदर। तो दिखाते हैं बेस को कैसे करना है थ्री स्टार। यहाँ पे हम लोग पीछे साइड से अटैक करेंगे क्योंकि भाई टॉनल बहुत ज़्यादा दूर, तो हम लोग डायरेक्ट टॉनल के अंदर स्लैमिंग करेंगे। दिखाता हूँ कैसे करना टॉनल के अंदर डायरेक्ट स्लैमिंग। जैसे मैंने बताया था हम लोग वॉर्ड वॉक्स चालू करेंगे जहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग्स होगी और दूसरी साइड पर हम लोग पेमेंट से फिल्म लेंगे। तो दिखाता हूँ कैसे करना है।
सो सबसे पहले वाटर लॉक चालू करते हैं और दूसरे हेड पे डैडी डाल के फनल बनाते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया खासा फनल बन रहा है, थोड़ा वेट करते हैं अभी। तो यहाँ पे फनल बन चुके हैं, हम लोग सबसे पहले वॉलपेपर डाल देते हैं। अभी सारी वाली स्पैम कर देते हैं हम लोग, सब कुछ बढ़िया आ रहा है हमारे अटैक अभी पूरा। हम लोग यहाँ पे अर्ली डेज डाले क्योंकि यहाँ पे टाउन वाले तो हम लोग को रेस की जरूरत पड़ेगी। बॉर्डर बैठे दबा दे क्योंकि डैमेज आएगा अभी बहुत सारा। तो अभी देखो अटैक के अंदर आगे क्या होता है, एंजॉय। हमने यहाँ पे अटैक टाउन के साइड से कि जब भी हमारी आर्मी पूरी कोर में आ चुकी है, अभी बैटिंग करने का टाइम आ चुका है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पैट्स मर गए क्योंकि हमने फ्रीज डाली नहीं मल्टी पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जब भी अटैक ट्रिपल होगा क्योंकि हमारी पूरी आर्मी कोर में आ चुकी थी, तो भाई वो डिस्ट्रक्शन हो गया बेस के अंदर। तो यहाँ पे हमारे बैट्स मर गए, जब भी देख सकते हो कितनी सारी आर्मी अभी बची है भाई। सो बस देख सकते हो कैसे स्मूथली ट्रिपल हो चुके हमारे सारे बैट्स वर्क है। जब भी अटैक ट्रिपल हो चुके हैं, मतलब सोच लो कितनी पावरफुल आर्मी है ये। अगर आपको आज के घंटे में कुछ समझ आए तो भाई कमेंट्स में जरूर बताना, उसको कवर कर लूँगा मैं। सो भाई आज के वीडियो में बस इतना, कल मिलते हैं कौन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।